रोहित विधानसभा का चुनाव इसीलिए ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि ये वही विधानसभा है जहां पर श्वेता ढुल कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्यादा सुर्खियां बटोर रही थी और वो ज्यादा जो है लोगों के बीच जा रही थी, लेकिन टिकट जो है वो जेपी के बेटे विकास को मिल जाती है। हमारे उस्ताद दो कैंडिडेट है जी। कौन कौन? अनीता ढुल और विकास। अच्छा, बाकी किसी ने लगाई नहीं? बाकी किसी ने मान तो लाए नहीं रहे की कोई उठ रहा है। यहाँ पर चुनाव इसीलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने अपने पुराने उम्मीदवार कमलेश झांडा पर फिर से उम्मीद जताई है। दो दो मौत एक दन एक गाल मत है। अच्छा। कदे किसी को डमोड़ नहीं आई बताकर दुख में ही नहीं आई मतलब दुख में को नहीं आई ए भी नहीं आ रही सरबंदी ए कुछ आ रही है वा। यहाँ पर चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर चुनाव में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए तीसरी निर्दलीय उम्मीदवार अनीता ढुल भी मैदान में है। अब जो माहौल है वो गरमाया हुआ है क्योंकि जो टिकट है कांग्रेस की तरफ से सुरजेवाला के खेमे में जाती जाती है, एकदम से हुड्डा के खेमे में जाती है। भाजपा की वही उम्मीदवार है जो पहले मंत्री भी रह चुकी हैं, अब निर्दलीय उम्मीदवार अनीता ढुल आती हैं तो मामला जो है और ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। चलिए गाँव में चलते हैं, हल्के में चलते हैं और जानते हैं लोगों की क्या राय है, लोग इस बार किसे वोट देंगे और क्यों देंगे, किस मुद्दे को लेकर वो वोट देंगे। कलायत विधानसभा का गांव है मटोर, ताऊ और बैठे हैं, ताश लाग रहे हैं खेलने। हमने सोचा क्यों ना ताऊ और द्वारा जाके बात करे जावे, उन तरह पूछा भाई किसका माहौल है गांव के अंदर, किसने है वोट देंगे, मुद्दे के रहेंगे वोट देने के। तो पहले इन तभी ताऊ जी राम राम। राम राम है ठीक सो? हाँ ठीक है। पर किसका माहौल है इसकी बार? मसूर तो कांग्रेस का रेप ज्यादा। अच्छा, कांग्रेस का कौन है इसकी बार उम्मीदवार? कौन सा विकास विकास का है? अच्छा, कोई ना उन तक पूछ लूँ मैं एक बार, ले थोड़ी सी जगह दे दो एक बार बना, मैं अंकल ना पूछ लूँ। तो इसकी बार किसका माहौल है काम में? कांग्रेस का जी। कांग्रेस का है? हाँ। कमलेश झांडा ने काम नहीं करा? ना ही काम नहीं करे उसने। अच्छा, सारे रुपये पिटोड़ करा लेके हुआ। अच्छा, इसकी गुद्दी लानी है। अच्छा, नाराजगी है पूरी? पूरी नाराजगी। अरे जो क्या करा उसने विकास था, आप लोग वोट दोगे कांग्रेस वाले था, और जो बड़सी करी की छोरी है अनीता ढुल उसके भी है टक्कर है इनकी दो ऐसी बात नहीं है, दोनों के हैं इनके वोट। अच्छा, दोनों के वोट है? कौन से बराबर की? कोई ना, आप पे हमारी उस्ताद दो कैंडिडेट है जी। कौन कौन? अनीता ढुल और विकास। अच्छा, बाकी किसी ने लगाए नहीं? बाकी किसी ने मान तो लाए नहीं रहे की कोई उठ रहा है। अच्छा, अरे जय बात करा आपके हल्के की, कुछ काम कुम हुए हैं गांव में? कुछ काम नहीं हुए, मतलब डांडा के तरफ तमारा कोई काम नहीं हुआ जी। मंत्री भी रही है तो सरकार? अबे सरकार भी थी और मंत्री भी थी वो मौके की, लेकिन उतनी गरीबाई कोई सुनाई नहीं करी। अच्छा, तो कोई मतलब उस खुश नहीं है? कोई खुश नहीं है, लेकिन वोट हम बीजेपी के देते अगर अगर कोई कैंडिडेट दूसरा आता तो। अच्छा, बीजेपी? अच्छा, बीजेपी था क्यों देंदे फिर? क्योंकि कैंडिडेट हमारा पसंद का था। अच्छा, कैंडिडेट था नाराजगी पार्टी में, कोई नाराजगी नहीं? कमाल की बात है भाई, जिस भी जगह जा रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं, जिस भी विधानसभा में जा रहे हैं, सारे के बात कह रहे हैं कि पार्टी तक कोई नाराजगी नहीं, कैंडिडेट तक नाराजगी है। ऊपर सरकार ने बहुत अच्छे काम करे गरीबों के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम मोदी जी को धन्यवाद भी करते हैं, बहुत कुछ किया है, राशन भी मिलता होगा, सब कुछ मिला है जी। देखा ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ तक सवाल कैंडिडेट का है ये जीरो है जी। अच्छा, बिल्कुल। नू कह रहे थे पीछे भी आऊं थे, बोले कि कदे बीजेपी की कैंडिडेट गांव में ही नहीं आई, कदे नहीं आई, दस एक दिन उठी है। अच्छा, दो दो मौत एक दिन एक गाल मत है, कदे किसी को डा मोड़ नहीं आई बताकर दुख में ही नहीं आई, मतलब दुख में कोई नहीं आई, ये भी नहीं आ रही सरबंदी, ये कुछ आ रही है वा। अच्छा। वह तो दावेदार बन के बड़े टिकट के बजी इतनी थी मैं। हाँ। बस ये यूरिस गया जो और कैंडिडेट होता यार सीट बिगड़ जिंदगी बरा। अच्छा, ये भी कौन लड़ दी? अच्छा। सिर्फ इसकी बदौलत है। अच्छा। बस सीट रुकेगी। अच्छा। फिर किस किस का टक्कर मान रहे हो, किसका कॉम्पिटिशन? इनमें तो नहीं होने बेरा, ढुल बनेगी अभी भी बनागा जेपी का छोरा, तो आएगी टक्कर। जे जेपी की बात करा नू कह मतलब जेपी तो सरे आम मीडिया पे कमेंट करता फिर है कुछ वो गलत कह रहे हैं, यहाँ कोई बात नहीं, पूरी टक्कर है कांग्रेस पार्टी की और बड़सी ढूंढ की। अच्छा, तो मतलब भाई उरे तो टक्कर बता रहे हैं, आप किसकी वोट गिरोगे तब? मशीनों की गिरांगे जी, जो बता लग रहे कांग्रेस की, मतलब टक्कर ही नहीं की मान रहे हो? टक्कर ही नहीं है जी। अच्छा, बीमारी तो जी यहाँ की टक्कर हो रही है जी, एक वोट मारा कांग्रेस का जाएगा, एक वोट मारा अनीता ढुल का जाएगा, दो जी दो ही वोट है जी। अच्छा, दो ही वोट है और तुम्हारे आपसे हमें टक्कर दिखेगी जी, मारी दो जी यहाँ टक्कर होगी।
अच्छा ताऊ ठीक हो? हाँ जम्मा। हाँ इसे गांव के हो? ये गांव के हाँ। अच्छा आज वे टाइम पास करना है, ताश तूश खेलना हो रहा है? करेंगे। अच्छा फिर किसका मन बनाया है भाई, किसका वोट देंगे? तो ढूल का देंगे, विपर गुआंडन है। गुआंडन है? हाँ। अच्छा काम नहीं देगी तो भी ठीक है, और दे देगी तो मैं बढ़िया। अच्छा बैरिका का वोट क्या है तेरे देवांगे? हाँ अपना कहा देंगे। अच्छा और कमलेश डाना ने? कमलेश डाना कड़ा कड़ा ही लेगी पाछा भी तेरे, रोज जो आए रह जाएगी। अच्छा चाहिए नहीं मननी भी तो? अच्छा इसकी बार तो मतलब बदलाव करोगे? हाँ बदलाव होना चाहिए। तो भाई कड़े जाओगे मम्मी? अच्छा बदलाव की बात अगर आती ना सिस्टर, हाँ जी, तो पार्टी से हमको नाराजगी होती। हाँ। लेकिन ऊपर पार्टी से हमको कोई नाराजगी नहीं है। हाँ। हमारे लिए कैंडिडेट बढ़िया नहीं आया। अच्छा। इसीलिए हम डांडा को वोट नहीं देंगे। अच्छा 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 तो इनकी नाराजगी कैंडिडेट तक है, आपका वोट बन रहा है? बन रहा जी। किस तक गेरोगे फिर, मतलब पहली बार जाओगा वोट? ना जी दूसरी बार ही जाओगा। अच्छा हाँ जी इनका नीता दे जी, अभी तो वोट दी अनीता डुल को दे। हाँ जी। अच्छा पिछली बार किसको दी? पिछली बार सरपंच को दी है बस एक वोट, नहीं और तो दूसरी दी, ये अब की बार दूसरी है। अच्छा हाँ किस लिए देंगे, मतलब अनीता डुल क्यों? यहाँ पे कैंडिडेट अच्छा नहीं है। अच्छा हाँ बीजेपी का या फिर कांग्रेस का कैंडिडेट अच्छा नहीं है? नहीं है। अच्छा हाँ हम अनीता को देंगे। हाँ तो ये मतलब ये गांव मटोर है, एक ताऊ आवाज बोलन लाग रहा है। कोई ना ताऊ बस नो पूछेंगे, चल कोई ना ताऊ, कोई ना कोई ना ताऊ बीमार है। उस साइड भी कुछ एक लोग खड़े हैं, उस चबूतरे पर भी बैठे हैं, पर वह किसी विशेष पार्टी का कार्यालय है, थोड़ा नहीं पूछेंगे। ताऊ तो पूछा, ताऊ जी राम राम। राम राम जी। राम राम। किसे काम के हो? हाँ जी। किसका माहौल है ताऊ इस बार? माहौल तो खिचड़ी हो रहा है सारे का। खिचड़ी हो रहा है? क्यों करे? सारा मिक्सर है, किसी का नहीं पता लग रहा कौन बना है कौन नहीं। अच्छा आप किसके गेर होगा, आप बता दो फिर आपकी। अभी नहीं बताने कुछ भी। अच्छा बीजेपी का ही। अच्छा एक ताऊ फोन में लग रहा है, कैसे हो? इसे काम तक हो? किसकी गेर होगा फिर वोट, किसका माहौल है मतलब इसकी बार? कुछ लोग साइलेंट है, कुछ कह रहे हैं खिचड़ी है। एक भाई साहब यहाँ खड़े, भाई साहब कैसे हैं? कंपटीशन है जी दोनों साइड से। किस किस का कंपटीशन है? कांग्रेस और इसका बीजेपी। बीजेपी का? वो ताऊ तो सारे नाराज थे बीजेपी के कैंडिडेट, नाराज हैं सारे, कांग्रेस बननी इस बार तो। अच्छा हाँ जी। हरियाणा का बता दिया, कांग्रेस बनेगी इस बार तो। अच्छा हाँ जी। बीजेपी से क्यों नाराज है? बीजेपी ने काम ही नहीं किया, कुछ काम नहीं करे बीजेपी तो, कह रहा है जितनी नौकरी हमने दे दी, देखो ये जितने भी युवा सारे सड़कों पर है, किसी का काम नहीं करवाया। अच्छा नहीं तो जॉब करते, अपने नौकरी मिलती सबको, सारे सड़कों पर फिर रहे हैं, किसी को काम ही नहीं दिया। आपके कलायत हल्के की बात करा रहा था, कलायत में कांग्रेस है। कांग्रेस है? हाँ जी। चाहे भले ही मतलब जो आपके पार्टी का कैंडिडेट है, मतलब इस पार्टी का कैंडिडेट है, उसका फादर साहब मतलब जेपी जी खुलेआम मंच पे किसी ने कुछ कहता है, किसी ने चेहरे को वोट नहीं है, पार्टी को वोट है। पार्टी को वोट है तो अब की बार लोग समझदार हो गए हैं, अब की बार लोग चेहरे को नहीं देख रहे, अब की बार लोग पार्टी को देख रहे हैं। कई जगह पे ये भी है कि लोग नाराज इस बात से हैं कि बीजेपी ने कैंडिडेट्स का चुनाव ही गलत किया है, इस वजह से वो उनको चुनाव के अंदर वोटिंग नहीं देंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। और भी जगह पे चलेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।